फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा पोखरना। स्वागत है आपका अभी फूड मैजिक में। तो आज की हमारी रेसिपी है रोस्टेड पोहा चिवड़ा। बहुत ही बेसिक रेसिपी है, बट ये दिवाली पे बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि दिवाली आ रही है तो इसके पहले से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो आज मेरे घर में बन रहा है पोहा चिवड़ा, तो आज उसकी रेसिपी मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ पतला पोहा, थिन पोहा, 500 ग्राम के करीब लिया है मैंने। अभी इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। बड़ी सी कढ़ाई में कर लीजिए, नहीं तो हाफ हाफ करके भी कर सकते हो आप। लगातार हिलाते जाइए और इसे रोस्ट करिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये पोहा एकदम खिला खिला सा हो जाएगा। ये देखिए एकदम से खिला खिला सा एक एक पोहा एकदम खिल जाता है। और अब हाथ लगाकर आप चेक कर लीजिए, गैस को आप बंद कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से क्रश हो रहा है। अभी आपको पहले पोहा को पहले भी अच्छे से छानना है यूज़ लेने से पहले, और रोस्ट करने के बाद भी आपको अच्छे से छानना है, और उसे आप ठंडा होने रख दीजिए। अभी हम बोल में 2 टेबल स्पून की करीब शक्कर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। ये मैं डाल रही हूँ नींबू का सर, थोड़ा सा डाल दीजिए। ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए और नॉर्मल सॉल्ट भी डाल दीजिए आप इसमें। हल्दी डाल दीजिए, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए क्योंकि मुझे बाद में भी डालनी पड़ी थी, आप पहले डाल दीजिए। ये रोस्टेड जीरा है जिसे मैंने अच्छे से सेक लिया है। रोस्टेड सौंफ है, ये भी मैंने अच्छे से सेक लिया है। इसमें डाल दीजिए लास्ट में चाट मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अभी इसको आपको जार में लेना है और इसे अच्छे से आपको ग्राइंड करना है। एकदम पल्स मोड पे चलाकर आप इसे ग्राइंड करिए। ये देखिए हमारा पाउडर एकदम रेडी है। चलिए इस पाउडर को आप साइड में रखते हैं और आप लगा दीजिए ऑयल फ्राई करने के लिए। इसमें हमें चीज़ें फ्राई करनी है। सबसे पहले हम करेंगे पीनट्स फ्राई। थोड़े से पीनट्स ले लीजिए, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इस पीनट्स को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, 7 से 8 मिनट आपको इसमें लग जाएगा। धीमी आंच पे करिएगा, नहीं तो एकदम से तेज हो जाएगा। और ये देखेंगे आप धीरे धीरे से ये ऊपर आने लगेंगे, कलर भी आप देख सकते हैं इसका चेंज हो गया है। अब इसे दूसरे झारे में निकाल लीजिए आप। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें ड्राई कोकोनट खोपरा। इसे मैंने पतला पतला लंबा काट लिया है। ये देखिए इसे भी कर लीजिए, हल्का लाइट ब्राउन होने तक आपको करना है। ये देखिए कलर एकदम से चेंज हो गया है। इसे भी उसमें डाल दीजिए, सेम पीनट्स वाली इसमें। चलिए नेक्स्ट हम फ्राई करेंगे इसमें कैश्यू काजू। ये मैंने स्लिट वाले लिए हैं, आपकी इच्छा हो वैसे ले सकते हो और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत ज़्यादा मुँह में आते हैं, वो कम पसंद है, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। ये देखिए इसका कलर भी एकदम लाइट ब्राउन हो चुका है। इसे भी निकाल दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आलमंड बादाम, ये भी मैंने स्लिट वाले लिए हैं। देखेंगे इसका भी कलर आप धीरे धीरे लाइट ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए निकाल दीजिए इसे भी। अब नेक्स्ट फ्राई करेंगे हम रेजिन किशमिश।
ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये देखिएगा आप डालते ही धीरे धीरे करके ये ऊपर आने लग जाएंगे। ये देखिए बस ये हो चुका है, देखो लाइट ब्राउन। निकाल लीजिए इसे भी। अब नेक्स्ट हम फ्राई करेंगे दालिया, ये चना दाल की जैसी है। ये भी देखिएगा आप फ्राई करेंगे धीरे धीरे करके ये ऊपर आने लगेगी। इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप इसे फ्राई करिएगा लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे से करके सब ऊपर आ रहा है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, करी लीव्स। ये मैंने ड्राई वाली ली है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसे ले सकते हैं, नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। इसे भी क्रिस्पी होने दीजिए। निकाल देंगे इसे। अच्छे से झार के इसे भी निकाल दीजिए। अब इसमें हमें डालना है ग्रीन चिली, तो आप इसके लिए एक बाउल ले लीजिए साइड में और ग्रीन चिली डाल लीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि मेरी चिली बहुत तीखी है इसलिए मैं 2 ही डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसे ऑयल के साथ में निकाल दीजिए, थोड़ा सा ऑयल चाहिएगा हमें 2 से 3 स्पून के करीब, ताकि मसाला अच्छे से उसमें कोट हो जाए। तो ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट रेडी है। चलो अब इसे मिक्स करते हैं इसमें। अभी देखिए ये हमारा पोहा जो हमने रोस्ट किया है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी सबसे पहले हम इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले डाल दीजिए और एक बार इसे पहले मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। हाथ से ही मिक्स कर लीजिए, चम्मच से करेंगे हो सकता है हार्डली चम्मच से आपका वो पोहा टूटने लग जाए, इसलिए एकदम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से आप इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, नीचे से ऊपर से सब तरफ से। अभी ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको डालना है हमारा जो पाउडर जो हमने बनाया है, ये सारा इसमें डल जाएगा, पर पहले थोड़ा सा डाल दीजिए और थोड़ा रख लीजिए। अभी इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे हमारा ऑयल और चिली वाला ऑयल, ये भी मिक्स कर दीजिए। और साथ में इसमें डाल दीजिए अब ऊपर से हमारा बचा हुआ मसाला। अगर आपके डिज़ायर कलर नहीं आता है इसमें, तो आप हॉट ऑयल में थोड़ा सा हल्दी का मिक्स कर उसमें थोड़ा सा और डाल दीजिए। ये देखिए मुझे कलर नहीं आया है, तो मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल में, हॉट ऑयल में। तो देखिए अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे को परफेक्टली कलर आ चुका है जो मुझे चाहिए, येलोइश। तो अभी इसे हम जार में डाल दीजिए, एयरटाइट जार में डालेंगे। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, महीना भर तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये अच्छे से हो जाएगा। अगर आपका ये चिवड़ा ये थोड़ा सा अगर सॉगी लगता है, आप अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए गैस पे कढ़ाई में डालकर, और ये हो जाएगा 5 से 7 मिनट आप इसे रोस्ट करेंगे वापस क्रिस्पी हो जाएगा ये। तो चलिए इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आप बनाइएगा, ये दिवाली के लिए आप
पहले से तैयारी कर कर रख सकते हैं। नमकीन है, और भी हमारी रेसिपी आने वाली है दिवाली की, आप देखिएगा ज़रूर। चलिए तब तक बाय बाय।